नमस्कार इवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। पीलीभीत जनपद की पुलिस आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती है। पूर्व में थाना सेहरा मऊ की चौकी के सिपाहियों की सेक्स रैकेट की वीडियो वायरल हुई थी, जिसको लेकर काफी फजीयत हुई। वहीं आज पीलीभीत के थाना न्यूरिया परिसर में एक दरोगा के रिटायरमेंट होने पर शनिवार रात पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगे डीजे पर पुलिसकर्मियों ने खूब जमकर डांस किया। कई पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर डांस कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने पर खलबली मच गई। आरोप ये भी है कि कई पुलिसकर्मी नशे की हालत में झूम रहे थे। बताया जा रहा है कि न्यूरिया थाने में दरोगा धर्मपाल रिटायर हुए थे, उनकी विदाई को लेकर शनिवार रात एक पार्टी रखी गई। इसका आयोजन थाना परिसर में किया गया। इस पार्टी में पुलिसकर्मियों के अलावा कुछ बाहरी लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में डीजे लगाकर फिल्मी गानों पर डांस किया गया। वहीं विदाई समारोह का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी वर्दी में डांस करते दिख रहे हैं। मामला एसपी तक पहुंचा तो उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है और जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वह थाना न्यूरिया का है। थाना न्यूरिया से एक दरोगा जी आज सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर कल थाने की जो घरैया लाइन है, जहां परिवार के लोग रहते हैं, वहां पर एक पार्टी आयोजित की गई थी। उसमें कुछ लोग डांस करते हुए दिख रहे हैं, उसमें कुछ लोग वर्दी में भी हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। जो लोग वर्दी में डांस करते हुए दिख रहे हैं उनके खिलाफ जाँच करके विभागीय कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहे एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।